एवरीवन, आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसमें 300 के करीब बड़ी असामियों का ऐलान किया गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी होगी, कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तमाम बातें इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले इसमें इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट की जॉब है, 13वें स्केल की जॉब्स हैं। इसमें 80 के करीब असामियां हैं। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, BS आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ इन इन्वायरमेंटल साइंसेज में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 21 से 28 साल इसमें एज लिमिट है। उसके बाद फील्ड असिस्टेंट की जॉब है, ये 6 स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो FSC क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 2nd VN के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसमें 208 के करीब असामियां हैं। आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपने www.jobs.punjab.gov.pk पर जाना है और वहां पर जाकर ऑनलाइन आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। 13/11/2024 इस जॉब को अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा लेनी है। आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपने jobspunjab.gov.pk वेबसाइट पर जाकर कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको बताते हैं। गूगल पर जाकर आपने इनकी वेबसाइट को ओपन करना है। जब आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर ये ऊपर जॉब्स का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर तमाम जॉब्स जो भी लेटेस्ट आई हुई हैं वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो हमने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके सामने हमने अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो हमने इसके सामने अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा व्यू एडवर्टाइजमेंट, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने पहले अपने आप को लॉगिन करवाना है, अपना ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, उसके बाद इनका जो फॉर्म है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। जब आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है तो आपने इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। इसके टेस्ट की तैयारी के लिए आपने testpoint.pk वेबसाइट पर जाना है। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सर्च का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। तो इस पर हमने जिस भी जॉब की तैयारी करनी है उसके रिलेटेड लिखेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उस जॉब के तमाम पास, पेपर, सिलेबस, PDF बुक्स, तमाम चीज़ें खुलकर हमारे सामने आ जाएंगी और यहाँ से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। टेस्ट पॉइंट बेहतरीन वेबसाइट है। इसके अलावा भी अगर आप किसी पेपर, किसी जॉब के रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।